दिल का कमजोरी या हार्ट फेल्यूर जिनको रहता है, नॉर्मली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलता है कि आपका जो नमक है उसका प्रेशर कम करो, कोई डाइटिशियन भी वही सजेस्ट करेगा, लेकिन उसके उसका ऊपर क्या एविडेंस है, ये जो रिकमेंडेशन है सही है या नहीं है, वो जो चीज़ है आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जब जो दिल का कमज़ोर रहता है वो मरीजों को जो नमक कम करने के लिए बोलते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी बोलता है कि जो हार्ट फेल्यूर का मरीज है नमक ज़रूर कम करना, उसी से आपका दिल का मौत होने का चांसेस कम रहता है करके बोलता है। लेकिन पिछले 2 साल पहले एक स्टडी हुआ था, उसका नाम है साल्ट एचएफ स्टडी। ये साल्ट एचएफ स्टडी में 1000 लोगों को जिनको केवल 1.5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट दिया गया, दूसरा ऑपोजिट में नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉल्ट वाला मरीज है, ये दोनों पेशेंट्स को 5 साल फॉलोअप ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स को फॉलोअप करने के बाद उनको मालूम हो गया कि ये दोनों ग्रुप में कोई अंतर नहीं है, ना मौत का चांसेस में अंतर है, ना हार्ट फेल्यूर का चांसेस में अंतर है, या हॉस्पिटल में शरीक होने का चांसेस भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये जो स्टडी का एविडेंस के हिसाब से हम बोलेंगे तो हार्ट फेल्यूर जो मरीज में ज़्यादा से ज़्यादा दबा के जो नमक कम करने से कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं है। दूसरा जो औरेक पार्श के ऊपर आता हूँ, इसमें आपको ये जो पेशेंट जो लो सोडियम का डाइट पे है उनका जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन भी कम जाता, जितना खाना था है वो जबान को पकता नहीं है, वो ज़्यादा खाता ही नहीं है, उसके साथ जो जब ज़्यादा नहीं खाते माइक्रो न्यूट्रिएंट का डिफिशियंस होता है। सो जो लोग रिस्ट्रिक्टेड सोडियम पे रहते हैं उनका माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी की वजह से वो आदमी कभी भी कमज़ोर रहता है, कभी भी कमज़ोर लगता है उनको। फाइनल चीज़ ये है कि हमारा कंट्री है भारत, एक जो उसका जो एटमॉस्फेयर है गर्म है, जो उनका उसमें धूप ज़्यादा है इसलिए काफ़ी पसीना निकलता है, काफ़ी सॉल्ट भी लूज़ हो जाता है। ऐसा मरीजों को हमने सॉल्ट का कम किया तो यूजुअली उनका बीपी कम हो जाता है, 80-90 हो जाता है। जब बीपी 80-90 हो जाता है, दिल का कमज़ोर रहता है, तो डॉक्टर ने क्या बोलता है, तुरंत आप जो दवाई है जो हार्ट फेल्यूर के लिए देते हैं वो दवाई का डोज कम करता है या बंद भी कर जाता है। जब वो दवाई कम करता है तो हार्ट फेल्यूर और बिगड़ता जाएगा, तो मतलब जो नमक कम करने की वजह से बीपी कम हो जाता है, बीपी कम होने की वजह से जो सबसे महत्वपूर्ण दवाई है वो दवाई को हटा दिया जाता है, वो हटाने की वजह से दिल और कमज़ोर बन जाता है। फाइनली अगर कुल मिला के हम बात करेंगे तो अगर हमारा मकसद क्या है हार्ट फेल्यूर को इम्प्रूव करना है तो अपना टारगेट है जो सबसे अच्छा सा दवाई देना है, लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन देना है, हार्ट फेल्यूर को मॉनिटरिंग करना है, उसके ऊपर अपना ध्यान रखना है, या छोटे चीज़ ये नमक कितना कम खाना है उतना कम खाने से ज़्यादा फायदा नहीं होता है, साइंस का कोई एविडेंस आज तक तो अभी तो कुछ नहीं निकला। थैंक यू।